कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पदयात्रा करके शिवपुरी पहुंचे दिलीप यादव आज शिवपुरी में कृष्ण नायक, यशपाल यादव, योगेश शर्मा से मुलाकात के दौरान बताया गया कि मैंने ये पदयात्रा कश्मीर से प्रारंभ की थी 5 जुलाई को, जिसमें लगभग मैं 2300 किलोमीटर का सफर करके आज शिवपुरी पहुंचा हूं। ये एक मेरा मिशन है, अभी मुझे 2 महीने हो गए हैं और मैं हार नहीं मानूंगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पदयात्रा पूरी करूंगा, चाहे मुझे कितने ही दिन लग जाएं। इस पदयात्रा का मेरा एक ही उद्देश्य है कि प्रदूषण से भारत बचाओ, प्रदूषण मुक्त भारत बनाओ। कन्याकुमारी से स्टार्ट की है जो कि कश्मीर तक जाएगी, लगभग 3700 किलोमीटर की यात्रा। क्या नाम है आपका? दिलीप यादव जी। और अभी आपको कितने दिन हो गए? लगभग 2 महीने हो गए। मैं 5 जुलाई से कन्याकुमारी। कौन से शहर होते हुए आप आए हैं वहाँ से? बेंगलोर, हैदराबाद, आंध्र, वो नागपुर, भोपाल और पीछे होते हुए यहाँ पहुँचा हूँ मैं शिवपुरी।